हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। भाई आज के दिन की शुरुआत सॉरी लेट, हर बार अभी जो मैं ब्लॉग की कर रहा हूँ शुरुआत रोज लेट हो रही है। उसकी भाई छोटी सी वजह ये भी है कि अपना सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है पहले हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल सुबह सुबह जाते ना मन बड़ा विचित्र सा हो जाता है, वो बंदे को देख के मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। तो बहरहाल अभी अपने ड्राइवर की जो हालत है फिलहाल तो एकदम सही है। तो ब्लड ख़त्म हो गया था तो पहले सुबह सबसे पहले जाके ब्लड बैंक में गया, वहाँ से ब्लड लिया, ब्लड हॉस्पिटल में दिया। हॉस्पिटल में देने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, अपनी जो गाड़ी है ना उसका अभी तक पंचनामा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि कल विजिट पे आए हुए थे बड़े बड़े अफसर, तो उन्होंने कल तो मना कर दिया था, आज का बोला है उन्होंने। तो अभी जो अपना इधर का जो लोकल काम देखता है ना अपना बागा भाई, उसको लेने जा रहा हूँ। उसको लेके सीधा जाऊँगा मैं हॉस्पिटल बोलने वाला था, मैं उसको लेके जाऊँगा अपना पुलिस स्टेशन। और यहाँ पे लो एक काला कंडी और हो गई, देख रहे हो गाड़ी, सिग्ना गाड़ी है भाई बीपी सेल की। ये मेरे को नींद में उतार दी बंदे ने गाड़ी, भाई नींद में। ये जो गाड़ी उतरती है ना ऐसे, ये नींद में उतरती है, पर किस्मत देखो कितनी अच्छी रही, गाड़ी पलटी नहीं हुई। अभी किस्मत ये भी अच्छी होनी चाहिए कि गाड़ी खाली होनी चाहिए। और वैसे भी यार रोडों के इतने बुरे हाल है ना, रोड, ये ब्रिज, ये देख रहे हो ब्रिज, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी इधर का साइड देखो, ब्रिज पूरा ब्रिज खत्म हो गए, पूरे रोड खत्म हुए पड़े। बताओ गाड़ियां बेचारी क्या करे, क्या एवरेज गाड़ी देंगी, क्या एवरेज दे दे गाड़ी, या फिर क्या हाल बचे, या क्या एक्सीडेंट ना हो ऐसे रोडों पे, तो क्या एक्सीडेंट ना हो। अब ये नेशनल हाईवे है, ये सबसे बड़ा हाईवे है अपना, दिल्ली मुंबई और MP सब रास्तों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हाईवे। तभी बताओ किस बिना के ऊपर एक्सीडेंट ना हो। अभी उस गाड़ी जो उतरी है ना, एक तो नया गाड़ी BS6, और दूसरा देख लो बिल्कुल टेढ़ी हो गई। अभी वो नीचे से ना उसका सलंसर वलंसर सब टूट गया होगा अंदर से, क्योंकि अभी नीचे इतनी गहराई में गई है ना परली तरफ, और बीच का हिस्सा आ गया, उसकी शापट हो गई, क्रॉस हो गए, फिर उसके बाद उसका जो साइड वाला हिस्सा आता है ना गाड़ी का, वो सब तोड़ दिया होगा। सलंसर सबसे महंगा तो सलंसर ही आता है भाई, 6 लाख का सलंसर आता है गाड़ी का, 6 लाख का, 6 लाख का सलंसर आता है, वो सलंसर भी खत्म हो गया होगा। 2.5-3 अपना BS6 गाड़ी, 14 टायर गाड़ी का सलंसर डाला था, एक गाड़ी का वारंटी में ही था वो डाला था, तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी का कुछ सलंसर डाला था 4,75,000, 4,75,000 का सलंसर था। अभी उसके अंदर और सामान भी अलग थे। लो भाई बागा भाई का फोन आ गया, एक मिनट। बागा भाई ये जहां से सिलवासा घूमते हैं ना, वो ब्रिज मेरे सामने है बिल्कुल, मेरे पास ब्लेनो है 0008, ब्लेनो नीले कलर की 0008। आप इधर ही खड़े हो ना साइड में? एक मिनट, मैंने देखा ये, एक मिनट रुको, मैं पहले ही रुक गया था। ये जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है इसके सामने खड़ा हुआ था मैं, उससे थोड़ा ओके, एक मिनट। अभी यहीं पे खड़ा है अपना बंदा बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई किधर चला गया, क्योंकि उसको लेके जाना है, वो इधर का लोकल है, वो क्या बातचीत अपनी हिसाब से कर लेगा, क्योंकि उसने बात कर रखी है पहले से ही सारी की सारी। ये खड़ा सामने अपना, ये अपना इधर का सिलवासा का काम देखने वाला बंदा है भाई ये। अपने को जो इंटरकूलर है ना उसका काम नहीं करना है अपने को सिर्फ, बाकी रेडिएटर, खाली रेडिएटर फटा है तो वो डाल देना है, और पंखा मेन। तो अगर मैग्नेट क्रैक हुई तो फिर उसको सादा कर देना बस। और ये नीचे से ये जो पाइप है ना, ये नीचे एक पाइप है ये वाला, ये आगे ना वहाँ पे स्टेयर हाइड्रोलिक वाला, इसको बांध देना ऊपर करके, ठीक है? तो ये थोड़ा बांध देना, और बाकी अंदर से ना एक बार पाइप चेक कर लेना पूरा। और ये ऊपर जो गेयर है ना अपना, उसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, गेयर क्या पूरा लगेगा नहीं, वहाँ से सामने से डैशबोर्ड क्या है बैठ गया नीचे, दरवाज़ा खुला ही है, खुला है, खुला है, इसको खींच बाहर खींचो,
खाली वो फंसा हुआ है, सीट वीट पीछे रख देंगे, बोनट खोल देना इसका, ठीक है, तामी वामी डाल के खोल देना बोनट। या इसको खींचने से होगा ये थोड़ा सा आगे, है बोनट खोल के रख देंगे ना साइड में। हाँ तो बस हाँ तो अच्छा रहेगा, खींचने से बोनट खोल के साइड में बांध देंगे ऊपर कैबिन। हाँ ऊपर बांध देंगे, नहीं तो बाकी का सामान अपना पेटी में डाल लेगा, है ना। इधर का हिस्सा सही है, बस खाली उधर के हिस्से का ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। पाइप वाइप तो प्रेशर का सही था, खुल जाए एक बार। अभी इसको क्या है, जो अपने मनोज भाई आए थे ना उनको भेज दिया वापस बड़ौदा। बड़ौदा इसलिए कि उधर के अपनी गाड़ियों का काम रुका हुआ था, इसलिए उनको भेज दिया बड़ौदा वापस। तो अपने इधर बागा भाई काम कराते ना इनसे लोकल, मतलब जो गाड़ियाँ अपनी इधर चलती ना छोटा मोटा काम, जैसे लोकल में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो इनसे काम करवाते हैं यहाँ से। तो फिर अभी ज़्यादा बड़ा काम था नहीं तो मनोज भाई ने चेक कर लिया, तो इसलिए इनको बुला लिया अभी कि भाई अभी काम ये कर देंगे अपना, यहाँ वाला काम कर देंगे ये सारे का सारा। जैसे मतलब अभी रेडिएटर वाले बंदे से भी बात हो गई, तो अभी यही बंदा डाल देगा। आज नहीं होगा तो मैं मतलब आज चला जाऊंगा किसी भी हालत में, क्योंकि बंदा भी आ गया। अभी खाली रेडिएटर डालना है, गाड़ी भी चेक करवा दी, बाकी रहा चलो पेचिस तो बैंड है थोड़ी बहुत, आगे से बैंड है थोड़ी सी, पीछे से बैंड है, बट वो देख लेंगे ऑफिस पे। फिलहाल अभी जो ड्राइवर है वो एक तो मतलब कोई ना कोई ड्राइवर इधर से जो 14 टायर गाड़ी का आएगा ना उसकी गाड़ी खड़ी करवा देंगे पंप पे, तो वो ये वाली गाड़ी लेके ऑफिस आ जाएगा। फिर अभी पंचनामा भी हो गया, खाली साइन करवाना है ड्राइवर का, एक दो आदमियों के साइन करवाने हैं, वो लोग आ गए वहाँ पे ब्लड बॉर्डर पे, उनको लेके जाते हैं। अभी अगर मैं रहूँ या ना रहूँ तो अभी बागा भाई काम करा देंगे गाड़ी का पूरा, बंदे लगे ही हुए हैं ये भी कर देंगे। बाकी अपना नुकसान खाली लेफ्ट साइड से है, अभी मेरे को जाना है ड्राइवर के पास भी, क्योंकि उसको सुबह भी ब्लड देना था, ब्लड दे दिया पर सुबह से गए हुए थे अपना इधर पुलिस स्टेशन में, पंचनामा नहीं करके दे रहे थे वो लोग। तो अभी पंचनामे के लिए उन्होंने बोल दिया है कि आ जाओ अभी कर देते, मतलब कर दिया है, खाली सिग्नेचर बाकी है। क्या एक दो आदमियों के साइन लगते हैं ना कि हाँ भाई प्रूफ के लिए कि पंचनामा किया है हमने ऐसा, वो सब पेपर के लिए। बाकी बहरहाल काम पूरा हो गया, खाली अभी बचा जो है ड्राइवर। अभी ड्राइवर की हालत सीरियस है, आज डॉक्टर ने बोला था 1 बजे बताने के लिए, बट क्या है कि मैं वहाँ हॉस्पिटल यहाँ पे था क्योंकि वहाँ पे ना ब्लड दे के आ गया था, तो मैं सुबह से था इधर अपना पुलिस स्टेशन में। अभी पुलिस स्टेशन का काम खत्म हो गया, अभी जाता जाता डॉक्टर से मिल के जाऊँगा, 6 बजे मिलेगा डॉक्टर। अभी टाइम हुए 4 बज गए, 6 बजे मिलेगा डॉक्टर वहाँ पे, तो अभी 6 बजे जाके डॉक्टर को मिल लेते हैं क्या बोलता है। फिर नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी हुआ तो 1-2 दिन बाद फिर आ जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को 3-4 दिन हो गए तो अभी चलते हैं। वो बंदा खोल रहा है ऊपर से बोनट, क्योंकि बोनट खोल देगा, बोनट की वजह से क्या गियर नहीं लग रहे अंदर, गियर बिल्कुल आगे वाला हिस्सा बिल्कुल पीछे आ गया ना, तो गियर एकदम पीछे आ गया उसका, खाली फाउंडेशन एकदम सही है, खाली डैशबोर्ड की मार की वजह से गियर नहीं डालेगा। डैशबोर्ड खोल के अपना बोनट खोल के ऊपर रख देंगे, ऐसी ड्राइवर गाड़ी लेके ऑफिस आ जाएगा, खाली ऑफिस तक लेके आनी है। इसीलिए हम इंटरकूलर वगैरह वगैरह जो सामान है वो सामान डाल नहीं रहे भाई। बाकी तब तक जाके आते हैं, अभी जा रहे हैं सिग्नेचर के लिए, क्योंकि 2 गाड़ियाँ खड़ी करवाई हैं ब्रिज के पास, तो जाते हैं अभी। अभी भाई अपना पुलिस स्टेशन का काम पूरा ख़त्म हो गया है, और पेपर हमें पुलिस वालों ने पूरा पंचनामा करके, जो पेपर होता है ना ये ड्राइवर का, मतलब अपनी गाड़ी का जो पंचनामा होता है वो करके दे दिया है साइन सिक्का मार के। इसमें भी बहुत फॉर्मेलिटी होती है भाई पुलिस वालों को, इसमें क्या FIR हमने क्या किया, अभी जैसे ड्राइवर के चोट लगी ना उसका इंश्योरेंस होता है या किसी का भी इंश्योरेंस होता है, तो पंचनामा करवाना बहुत ज़रूरी होता है इंश्योरेंस के लिए। अभी पंचनामे के लिए हमने 2 दिन पुलिस वालों के पास गए, उसमें क्या करते हैं पुलिस वालों का पूरा एक ना सर्वर होता है। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जाके गाड़ी देखी कि गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट हुई, मतलब यहाँ एक्सीडेंट हुई, उन्होंने गाड़ी देखी, फिर गाड़ी वहाँ से यहाँ खड़ी की, फिर वहाँ जहाँ आजू बाजू जो लोग हैं दुकान वाले उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका बयान लिखा कि गाड़ी कैसे लगी। फिर उसके बाद यहाँ से 2 आदमी पुलिस वाले गए अपने ड्राइवर को देखने के लिए हॉस्पिटल में, उसकी जानकारी ली क्या भाई ड्राइवर हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, डॉक्टर से उन्होंने बात की। डॉक्टर को बात करने के बाद फिर
वो लोग यहाँ पे आए, फिर उन्होंने पंचनामा लिखा और हमारे सबके सिग्नेचर करवाए, लोकल आदमियों के जो आजू बाजू होते हैं, जो मतलब जिनसे पूछताछ की कैसे गाड़ी लगी, उनके सिग्नेचर कराए, फिर जाके हमें पंचनामा भाई मिला। और क्या है, बहुत टाइम लग गया। अभी मेरे को अभी टाइम कितना हो गया भाई, अभी बजे रात के मतलब शाम के 6:30, मतलब 7 बजने वाले, 6 मिनट में 7 बज जाएंगे। अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल। आज मैंने हॉस्पिटल का सिर्फ सुबह हॉस्पिटल गया हूँ एक बार ब्लड देने के लिए, ब्लड देने के बाद मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं। अभी उधर से भी डॉक्टर का फ़ोन आ रहा था कि भाई साहब बात करनी है, मतलब उनके साथ भी बातचीत करनी है कि अपने ड्राइवर की क्या हालत है। अभी मतलब उसका शरीर रिकवरी तो कर रहा है, एकदम सही से कर रहा है रिकवरी, क्योंकि चलो अभी चोट तो अंदर बहुत गहरी लगी है, अभी उसका शरीर रिकवरी कर रहा है। तो अभी उसका क्या ऑपरेशन होगा, दोबारा उसके 2 ऑपरेशन होने हैं अगर वो सही सलामत रहा। बाकी भाई साहब हम देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है भगवान, और जो उनके रिश्तेदार है ना वो तो सिरे के आदमी भाई साहब। यकीन मानना जितने हमारे ड्राइवर के लपड़े मुझ के बात करूं यार। एक दिन बागा भाई ले आए सामान, ये लेके आए भाई बागा भाई, जितना पूरा पुलिस स्टेशन गाड़ी साइड की, बागा भाई ने इतना धक्का खाया, मतलब हॉस्पिटल में भी जब जिस दिन ड्राइवर के चोट लगी तो इन्होंने वहां पे छोड़ा हॉस्पिटल में ड्राइवर को, तो इन्होंने अभी गाड़ी का पंचनामा भी सारा इन्होंने करवाया, गाड़ी भी इन्होंने साइड करवाई अपने, ये अपने यहाँ पे रहते हैं सिलवासा पंप पे। और बाकी जो अपना ड्राइवर है ना, ड्राइवर उसके जितने रिश्तेदार है, एक भी रिश्तेदार नहीं भाई, सारे के सारे रिश्तेदार हरामी, एक नंबर के हरामी। पंखा पूरा डालना पड़ेगा, डिस्टेंस डालना पड़ेगा, पूरा डालना पड़ेगा ना, ये तो टूट गया ना ये, मतलब ये तो लगेगा ना, लोहा तो काम आएगा अपने, टंकी ये तो सही है, ठीक है, टंकी बच गई ना, बच गई, प्लास्टिक बच गया, लोकर चला गया। इसका बॉटम बॉटम पंखा डिस्टेंस भी डालना पड़ेगा, ये पंखड़ी भी डालना पड़ेगा, पंखड़ी तो गई टूट गई, तो चलो ठीक है, ये भी डालना पड़ेगा, बैंड हो गया ना, बैंड हो गया। तो एक काम करना, इसको मैग्नेट को मत छेड़ना, मैग्नेट में डालूंगा नहीं ना, ये सादा वाला डाल दो, वही बोला ना, सीधा ही सादा वाला डाल देना। हाँ इसको क्या ऐसी कैसी रख देंगे उधर जाके, हाँ वो उधर जाके हम लोग ना मतलब वो देखेंगे, वो तो काम है, इसके बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, हाँ फाउंडेशन बोल्ट, और बाकी और बाकी क्लेम प्लेम लेना पड़ेगा, बाकी अंदर से सब सही है, और ये है ना, ये इसको भाई थोड़ा ऊपर करना है इसको भाई, ओए छोटे इधर आई, इसको थोड़ा ऊपर करी, ये पूरा बैंड हुआ है नीचे, बस हाथ रखना भाई, मार मत देना सिर पे, कभी मेरे को भी हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पड़े। पाइप लेने पड़ेंगे नीचे ऊपर के, दोनों नीचे ऊपर के दोनों पाइप, हॉस पाइप पानी वाले, और बाकी सब सही है ना इसका, आयल किया इसका चेक, आयल तो सही होगा ना, आयल तो मतलब देख लो ना पूरा है ना, ये भी जाम है इसका, फिलहाल तो ऐसी चला देना, थोड़ा आयल वायल डाल देना, ये क्या बाद में करना पड़ेगा चेंज, इसका बैरिंग जाम हो गया है, पर थोड़ा फ्री हो जाएगा, थोड़ा चलेगा तो हो जाएगा, दिखाओ तो यार ये जाम है, ऑयल सही है, ये जाम ऑयल तो पूरा है ना, बाकी ये एक चीज और है, ये ऊपर गियर डंडा है ना, हाँ इसका केबल इधर फंस गया है ना, तो डंडा गियर लगने में क्लिक हो रहा है, वो ये सीधा करके चलना है टांगना, तो नहीं उसमें क्या करेंगे अपना, अगर एक काम हो रहा है, एक काम करेंगे जैसे जो गेयर हैं इसके गाड़ी के, अगर अपना जैसे मतलब कि अगर खाली गाड़ी है
अगर मानो लो साइड का नहीं लगता हाई वे, ज़्यादातर क्या है दो तीन गियर में पहुंच जाएगी गाड़ी। अब ये टर्न मारने के लिए इसको सीधा करना पड़ेगा। इसको कटवाना पड़ेगा है नी? अंदर वाला पत्रा। ये अंदर वाला जो पत्रा है ना ये भी थोड़ा ऐसे कट जाएगा। वो चलेगा नहीं होगा चलेगा, ये जरूर कटवाना। हाँ तो इसको कटवा देंगे और ऊपर का गैस कटर हल्का 4 इंची का जैसे कटवा देंगे वो भी हो जाएगा सही अंदर से। हाँ। कैबिन का क्योंकि इस गाड़ी में अर्थिंग नहीं लगा सकते। हाँ खाली सिर्फ अपने को इसको काटना ही पड़ेगा। तो अभी अपना जो सामान आएगा वो सुबह आएगा ना सारा। ये MTB की गाड़ी है ये, मतलब जैसे मानो पेट्रोल होता है ना पेट्रोल से भी खतरनाक है 10 गुना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अर्थिंग मत लगाना, खाली गैस कटर से इतना इतना कटवा दो, अंदर का कटवा दो बस हो गया। इसको अपने को कटवाना पड़ेगा ना यहाँ तक पूरा। नहीं इतना कटवा देंगे, यहाँ से इतना कटवा, नहीं नहीं ये इतना खाली, ये पाइप बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये कटवाना पड़ेगा इतना है नी? नहीं उतना नहीं, ये इतना। ओके तो ये अपना क्या है रिवर्सिबल गियर सब लगने लगेगा। ठीक है, ये नाली उखड़ गई ना यार यहाँ से, ये पूरा रुका ना, ये सारा बैंड हो गया पूरा अपना हिस्सा पीछे चला गया ना केबिन पूरा। हाँ केबिन ही गया, बाकी इंजन बच गया अपना। मालूम कितना चला गया ये जो है ना ये एकदम चिपका रहता है इसमें। हाँ ये इतना पीछे हो गया, इतना पीछे हो गया ये, मैं एक एक प्लान गया पीछे चला गया पीछे। चलो स्टार्ट में तो हो रही है, कोई बात नहीं भाई, तेल है भी करता होगा। लाओ वीरे समा वो पकड़ाओ बोनट, नहीं रहने दो रहने दो, कोई चीज चूज पड़ी हो लगेगी ऐसी। ये देखो भाई रोड, ये जो सिलवासा बॉर्डर है, सिलवासा भाई मैंने अपना काम पूरा मेरा खत्म हो गया है। जो सामान जहाँ से लेना था रेडिएटर वाले को भी बोल दिया है, अभी रेडिएटर वाला सुबह रेडिएटर भी दे देगा, और बाकी जो सामान लाना है वो सुबह अपना आदमी है वो देगा सुबह सामान, मतलब जहाँ से स्पेयर पार्ट से आना है सामान वहाँ से भी सुबह मिलेगा, क्योंकि लेट हो गया पुलिस स्टेशन में बहुत टाइम लग गया भाई। तो अभी जा रहा हूँ मैं होटल पे, क्योंकि आज वैसे मेरा इरादा था आज वापस जाने का किसी भी हालत में, क्योंकि हालत इतनी खराब हो गई ना सच्ची। कपड़े भी मतलब जींस मैं एक ही लेके आया था, एक लोवर लेके आया था, बट अभी कल ये जींस पहनने की हालत में रहेगी नहीं, कल अपना लोवर ही पहन लेंगे। पर कल किसी भी हालत में 10, 10:30, 11 बजे तक अपना काम खत्म करके निकल जाना है यहाँ से। अभी मेरा मन मतलब एकदम विचित्र हो गया भाई, यहाँ पे मन लग ही नहीं रहा। तो अभी फटाफट अभी होटल पे चल के आराम करके सुबह सवेरा ही काम खत्म कर देना है बस जल्दी से जल्दी। अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, बॉर्डर पार किया मैंने, किधर क्या हो गया किस बारे में जाम भाई, साइड दोगे? बॉर्डर पार करके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक होटल है जज का होटल भाई, उसका खाना एक नंबर होता है भाई, बंदे का बहुत बढ़िया खाना होता है। यहाँ पे सेल्स टैक्स वाले है ना उसके बाजू में ही है उसका होटल जज का, ये मतलब खाने में उसका भाई स्वाद आ जाता है। अभी तो इधर उधर का खा के ना पक गया, अभी मैं खाएंगे खाना अपन जज के होटल का एकदम बढ़िया। वो सेल्स टैक्स के बिल्कुल सामने आता है, वो सेल्स टैक्स होता है ना उसके सामने, वो अभी आ गया, खाना खाएंगे वहां पे, क्योंकि एक तो उसका खाना बहुत बढ़िया है, ढाबा है, खाना मस्त है, खाना खा के वहीं आजू बाजू होटल है वहीं मस्त सो जाएंगे, सुबह मिलते हैं फिर।